हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? फाइनली चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं. कल छोटा सा करेक्शन करना था, यहाँ पे आएगा क्लोज इंटरवल. एक्चुअली हमेशा ही क्लोज इंटरवल से स्टार्ट होता है, ठीक है ना? ये ओपन इंटरवल गलती से जल्दी में लग गया होगा, क्योंकि हम कल क्लास से जा रहे थे तो ऑफ कोर्स उस टाइम पे ही गड़बड़ हुई है, बट कोई नहीं. अच्छा, मुझे अभी ये बताइए, यहाँ तक आप सभी को सारी की सारी चीज़ें क्लियर है ना? बताइए. ओके, लेट मी ओके okay. ओके okay. सॉरी, चलिए हो गया. अब यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ इंटरवल्स, ठीक है? एक्चुअली यार आपके कमेंट सेक्शन ऑन नहीं हो रहा था. हाँ ठीक है, अब हो गया, तो स्टार्ट करते हैं. डेफिनेशन ऑफ इंटरवल्स. तो इसमें है ए सेट आई जो कि आर के अंदर कंटेंट हो रहा है, ठीक है, इज सेट टू बी एन इंटरवल. इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आइडेंटिटी एम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू आइडेंटिटी फॉर ऑल जो एक्स है वो ए और बी के बीच में होना चाहिए, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि आपके पास मान लीजिए कोई रियल लाइन है और आपने यहाँ पर दो को दो पॉइंट चुन लिए ए और बी. तो ए और बी के बीच का अगर ईच एंड एवरी रियल नंबर अगर आपके पास है तो ऑफकोर्स इट विल बी इंटरवल. तो इंटरवल कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के. इसमें देखो अभी क्या है, बिल्कुल बेसिक से इसलिए चल रहे हैं क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ 12th के बच्चे भी हो सकता है क्लास में बैठे हों, लेकिन लेवल बहुत हाई चला जाएगा थोड़े टाइम बाद ही. तो ओपन इंटरवल का साइन होता है ये ए कॉमा बी. इसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑल एक्स जो कि आर से बिलोंग कर रहे हैं सच दैट जो आपका एक्स है वो ए और बी के बीच में होगा, ना तो ए के बराबर होगा ना बी के बराबर होगा. इसी तरीके से क्लोज्ड इंटरवल. गुड मॉर्निंग एवरीवन. तो जो क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है, वो कुछ होता है इस तरीके से ए बी. इसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट जो एक्स है वो ए और बी के बीच में हो. फिर आते हैं सेमी ओपन. सेमी ओपन का मतलब होता है सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड. इसको कई जगह क्लोपन सेट भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब आधा ओपन और आधा क्लोज्ड. इसके दो टाइप हो सकते हैं, एक तो ये,
कि ए से क्लोज्ड है, बी पे ओपन है। इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, जो कि ए के इक्वल हो बट बी से छोटे हो। ठीक है, अब देखो ये तो होते हैं इंटरवल अपने आप में, ठीक है ना। अब इंटरवल हो गए, अब एक होती है रे। अच्छा रे का मतलब समझते हो, जैसे सन रेज होती हैं, वो क्या है, उनकी लेंथ इनफाइनाइट होती है। इसी तरह कोई इंटरवल की लेंथ अगर इनफाइनाइट हो गई तो उसको रे बोलते हैं। जैसे कि ये ए से लेके इन्फिनिटी, इसका मतलब होता है, तो ये रे होती हैं ये, कि एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट सेट ऑफ ऑल एक्स जो कि ए से बड़े हो। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता तो सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स कौन से, जो कि ए या ए से बड़े हो, फिर माइनस इन्फिनिटी से ए तक। सेट ऑफ ऑल एक्स दिस, मतलब एक्स से एक वो सारे के सारे नंबर जो कि ए से छोटे हो बट ए के बराबर नहीं हो, माइनस इन्फिनिटी से ए अगर क्लोज लिखते थे तो ये। तो रे का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट लेंथ वाला इंटरवल को रे बोलते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब मैं यहाँ सेट लिखूंगा, अब इसके एग्जाम्पल करवा देते हैं, ठीक है। अब इसके जरा एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं, उससे और थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। कर लिया आपसे, अब फिर से करूँ या क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ? प्लीज देखो, फिर तो आरएन में यही कहूँगा, अगर आपने ये सब ऑलरेडी कर चुके हो ना तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, टेस्ट दो प्रॉपर, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। तो सेट, तो ये सेट है और ये यहाँ पे है इंटरवल, बनेगा कि नहीं बनेगा? फाई, तो मुझे बताइए क्या फाई इंटरवल होता है? ऑफकोर्स एक इंटरवल होता है, इंटरवल ऑफ लेंथ 0। फिर सिंगलटन सेट ए, सिंगलटन सेट ए अपने आप में इंटरवल होता है जो ए से शुरू होता है ए पे ख़त्म होता है। नंबर 3, अगर मैं कोई डिस्क्रीट सेट ले लूँ, A1, A2, A3 अप टू AN, क्या ये इंटरवल होगा? ये इंटरवल नहीं होगा। इसका रीज़न क्या है? हो सकता है A1 और A2 के बीच में कोई रियल नंबर हो जो कि इसमें मिसिंग है, तो यानी कि ये इंटरवल नहीं है। नंबर 4, ओके नंबर 4 है 1 एंड 2, क्या ये इंटरवल है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ए फाइनाइट सेट विद एटलीस्ट 2 एलिमेंट कभी भी इंटरवल नहीं बन सकता। इसी को थोड़ा और अच्छी भाषा में लिखें तो कुछ ऐसा, ए फाइनाइट सेट विद एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स इंटरवल नहीं बन सकता, ठीक है। क्योंकि 2 एलिमेंट, कोई 2 रियल नंबर अगर आप लेते हो, अब देखो इसके पीछे रीजन क्या है, कोई 2 एलिमेंट का मतलब है कोई 2 रियल नंबर, और मुझे पता है कि दो कोई 2 रियल नंबर आप कोई से भी चूज करो, चाहे वो रैशनल हो इरेशनल हो, उनके बीच में इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स मिल जाएंगे, चाहे वो कितने ही पास क्यों ना हो, समझ रहे हो। आप कोई कितने ही दो बहुत करीब करीब रियल नंबर ले लो, जैसे किसी के दिमाग में ये आया कि सर मैं तो एक तो ले लिया 1.00000001 और एक ले लिया 1.00000002, ओके सर इनके बीच में, तो भाई इनके बीच में भी इनफाइनाइट मेनी एलिमेंट्स मिलेंगे इन दोनों नंबर्स के बीच में भी। तो यानी कि आप कोई भी 2 रैंडम नंबर पकड़ोगे तो उनके बीच में इनफाइनाइट मेनी एलिमेंट्स मिलेंगे जो कि उसमें आपके सेट में नहीं होंगे, तो इसलिए वो इंटरवल भी नहीं बन पाएगा। तो इसलिए ए फाइनाइट सेट विद एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स कभी भी इंटरवल नहीं बन सकता, ठीक है। नंबर 6,
सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, आपको पता है दो रैशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर आता ही आता है, तो कहीं कभी इंटरवल नहीं बन सकता। नंबर 7, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स, ये भी कभी इंटरवल नहीं बन सकता। ठीक है, नंबर 8, मान लीजिए आपने क्या किया, 0 और 1, इसमें इसका इंटरसेक्शन ले लिया क्यू के साथ, तो इसका मतलब पता है क्या है, 0 से 1 के बीच में जितने भी रैशनल नंबर थे उनका डिस्क्रीट सेट, तो डिस्क्रीट सेट तो कभी भी इंटरवल नहीं बनेगा। चाहो तो मैं हिंट के लिए लिख देता हूँ, ये क्या है बेसिकली, इसका मतलब हो गया कि सेट ऑफ ऑल कि सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1, खत्म। इज दैट थिंग क्लियर, कि सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1, बताइए। तो ये क्या है, ये एक तरीके का डिस्क्रीट सेट है, तो ये कभी भी इंटरवल नहीं बनेगा, तो इसलिए यहाँ पे इंटरवल पे क्रॉस लगा दिया। नंबर नाइन है कि मैं 0 और 1 के साथ इंटरसेक्शन ले लूँ किसका, क्यू कॉम्प्लीमेंट का, मतलब इरेशनल नंबर का। तो देखो अब ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1, तो ये भी कभी इंटरवल नहीं बन पाएगा, बताइए। डिस्क्रीट सेट वो होता है जहाँ पे एलिमेंट्स को इस तरीके से लिखा जाता है, अलग अलग एलिमेंट्स को अलग छांट के लिख दिया, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से, या फिर a1 a2 a3, दिस इज अ डिस्क्रीट सेट, दिस इज अ डिस्क्रीट सेट अपने आप में। ठीक है, डिस्क्रीट सेट का मतलब, डिस्क्रीट सेट का मतलब ये समझ लो, वहाँ जहाँ पे एलिमेंट अलग अलग चमक रहे हैं आपको, ठीक है ना, आपको पर्टिकुलर एलिमेंट अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, दैट इज डिस्क्रीट सेट। चलो आगे बढ़े। ओके, नंबर 10, नंबर 10 है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब मुझे पता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4, लेकिन मुझे पता है 1 और 2 के बीच में बहुत सारे रियल नंबर्स होते हैं जो कि नेचुरल नंबर्स के पास नहीं होते, तो इसलिए दिस इज नॉट एन इंटरवल। फिर जेड, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो ये भी इंटरवल नहीं बनाते हैं। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, हाँ ये इंटरवल होता है प्लस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक। सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये तो भाई वेल डिफाइंड ही नहीं होता है। सो दिस इज नॉट नॉट एन इंटरवल। नंबर 14, 0 से लेकर 1, तो 0 से लेकर 1 जो होता है वो इंटरवल बनेगा। नंबर 15, 0 से लेकर 1, और इसमें से मैं क्या हटा दूं, 1/2 हटा दिया मैंने, मतलब मैंने इसमें से 1/2 हटा दिया, तो ये क्या है, सेट बेसिकली दो हिस्सों में टूट गया। तो मुझे पता है इस सेट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जो गायब है, वो कौन सा, हाफ, तो दिस इज नॉट एन इंटरवल, क्योंकि इंटरवल की खासियत यही होती है कि इसके बीच में ईच एंड एवरी पॉसिबल रियल नंबर मेरे को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से अगर 1/2 को हटा दूंगा तो ये इंटरवल नहीं बचेगा। नंबर 16, 0,1 यूनियन 1,2, अब मुझे पता है कि इस यूनियन के अंदर वन, मुझे पता, देखो वन पे ओपन लगने का मतलब है वन इंक्लूड नहीं है ना, यहाँ पे वन इंक्लूड है, तो इन दोनों के यूनियन में वन इंक्लूड नहीं होगा, तो दिस इज नॉट एन इंटरवल। लेकिन अगर मैं वहीं इसको ऐसे लिख देता, 0,1 यूनियन क्लोज इंटरवल 1 से लेकर 2, तो अब ये इंटरवल बन जाता। नंबर 8, 0,1 यूनियन 2,3, तो क्या इंटरवल बनता, नहीं बनता। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, 0,1, 1 पे क्लोज्ड यूनियन, यहाँ पे 2 पे भी क्लोज्ड, तो इस कंडीशन में भी इंटरवल नहीं बनता। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे क्या हो जाता, पी इज प्राइम नंबर,
तो दिस इज नॉट एन इंटरवल। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता रूट पी सच दैट पी इज प्राइम नंबर, तो इन दैट केस भी ये इंटरवल नहीं बनता, संपन्न खत्म। 22 एम अपॉन 2 टू द पावर एन सच दैट एम बिलोंग्स टू जेड और एन बिलोंग्स टू नेचुरल। तो ये भी इंटरवल नहीं बनेगा। अब कोई बच्चा कहे सर आपने ये कैसे पता लगा लिया कि ये इंटरवल नहीं बनेगा, क्या हुआ? 12 नंबर को एक्सप्लेन करना है। क्या था 12 नंबर में? रियल नंबर, रियल लाइन तो इंटरवल होती है ना, रियल लाइन तो इंटरवल होती है माइनस इनफिनिटी से लेकर प्लस इनफिनिटी तक। इसमें क्या एक्सप्लेनेशन चाहिए विनय आपको? 19 नंबर इंटरवल इसलिए नहीं होगा कि देखो 1 और 2 के बीच में 1/2 भी तो आता है, इसमें 1/2 कहां है पता हो? 1 और 2 के बीच में आने वाला ईच एंड एवरी रियल नंबर मिसिंग है इसमें, सो दिस इज नॉट एन इंटरवल नंबर 19। ठीक है, बिल्कुल नहीं दी, सीएसआईआर के लिए क्लास इनफ होंगे, बस कोर्स पूरा करना पड़ेगा आपको, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और टेस्ट देने पड़ेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से। ठीक है, आज एक मोटिवेशन सेशन रहने वाला है, उसके बारे में अपडेट कर दूंगा मैं, डोंट वरी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 23, ठीक है। अच्छा सुनो, ये तो हो गए खत्म, इसके अलावा आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इंटरवल और सेट के बीच का डिफरेंस। हाँ, मैं लास्ट में एग्जांपल ये आपको दिखा रहा था कि मान लो m आपका इंटीजर है और n आपका नेचुरल नंबर है। n नेचुरल नंबर का मतलब है 2 हमेशा नीचे रहेगा, 2 पे हमेशा पावर कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। और एक इंटीजर पावर रहेगी, मतलब पॉजिटिव इंटीजर रहेगा एक नेचुरल नंबर 2 पे। तो आप देख रहे हो m की वैल्यू आपने मान लो 1 रख दी है ना, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 और 1/4। अब मुझे पता है 1/2 और 1/4 के बीच में कहीं ना कहीं 1/3 भी आता है, तो 1/3 इज मिसिंग। आप देख रहे हो ये दो नंबर मुझे मिलेंगे यहीं से, ये भी मुझे यहीं से मिल रहा है, ये भी मुझे यहीं से मिल रहा है, बट इन दोनों के बीच में आने वाला 1/3 इज मिसिंग। तो इंटरवल की प्रॉपर्टी फेल हो गई ना यहाँ पे, खत्म। इसका मतलब दिस इज नॉट एन इंटरवल, इज दैट थिंग क्लियर? इज दैट थिंग क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, अब नेक्स्ट, अब आते हैं सेट। देखो आपने सेट बाउंडेड वो पढ़े थे ना, आप सेट बाउंडेड बिलो पे आ जाते हैं जरा। सेट बाउंडेड बिलो, प्लीज एक मिनट रुकिए जरा। ओके, 17 के पहले में, अरे भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिक्कत क्या थी? यहाँ पे वन इज मिसिंग था ना, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी? वन इज मिसिंग। इस पूरे इंटरवल में सिर्फ एक ही दिक्कत थी, वन इज मिसिंग, कि वन यहाँ भी मिसिंग था, वन यहाँ भी मिसिंग है। लेकिन अगर मैंने इस पर क्लोज लगा दिया तो वन क्या, वन इंक्लूड हो गया। अगर वन इंक्लूड हो गया तो नाउ चाहे वन यहाँ पे, देखो आप यूनियन कर रहे हो तो वन यहाँ पे नहीं मिला तो क्या हुआ, वन यहाँ पे तो मिल गया ना, तो इसका मतलब अब वन मिसिंग नहीं है। अब इंटरवल के इसका इंटरवल पता है क्या हो जाएगा? 0 से लेके 2, समझ रहे हैं आप? ये बताइए, यहां तक किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ? अब आगे बढ़ जाते हैं, अब हम पढ़ेंगे सेट बाउंडेड बिलो। हमने बाउंडेड अबव स्टार्टिंग में कल पढ़ा ही था, अब सेट बाउंडेड बिलो। अच्छा, किसी बच्चे को क्लास में ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं उतनी स्पीड लेके चल रहा हूं जितनी एक एवरेज, बिलो एवरेज और अबव एवरेज स्टूडेंट को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाए। ओके, देखो सेट बाउंडेड बिलो क्या होता है? एक ऐसा सेट जो कि बाउंडेड हो नीचे की साइड से, मतलब जैसे कि ये रियल लाइन है, आपके दो सेट हैं, मतलब ये सेट के दो पॉइंट हैं, तो आपका ये पीछे की तरफ से बाउंड होना चाहिए, तो सेट बाउंडेड बिलो मतलब है ना?
ओके तो अब इसको समझते हैं कि क्या होता है। तो ए सेट कैपिटल ए जो कि आर के अंदर कंटेंट हो रहा है इज सेट टू बी बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट, कोई स्मॉल के है ये साइन, ठीक है, स्मॉल के बिलोंग्स टू आर सच दैट आपके सेट का ईच एंड एवरी एलिमेंट इस के से बड़ा होना चाहिए। मतलब ये के क्या है, एक लोअर बाउंड की तरह काम करेगा कि सेट के पास कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो इस के से भी छोटा हो जाए, ठीक है। तो एक के क्या है कि एक बाउंड की तरह होगा कि भाई जितने भी सेट के एलिमेंट्स हैं इस के से तो बड़े होंगे ही होंगे, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए आर सच के इज कॉल्ड ए लोअर बाउंड ऑफ सेट ए। नाउ द नोट, तो देखो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहली चीज कि एनी के, कोई भी के है, के डैश नाम दे रहा हूं, कोई भी के डैश अगर आपके इस के से छोटा है जिसको मैं लोअर बाउंड बोल रहा हूं इज अल्सो ए लोअर बाउंड ऑफ सेट। तो याद रहे मैं यहां पे इस के डैश पे उंगली उठा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई अगर मुझे कोई भी नंबर ऐसा मिल जाता है जो मेरे इस के जो कि लोअर बाउंड बन रहा है, लोअर बाउंड से भी छोटा कोई नंबर मिल जाता है तो वो भी लोअर बाउंड बनेगा, ठीक है। और नंबर टू, फॉर ए बाउंडेड ब्लू सेट देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स, ठीक है ना सर। एक साथ कितने टॉपिक, एक साथ बेसिकली दो से दो टॉपिक ही कवर होंगे, एक साथ दो से ज्यादा टॉपिक कभी नहीं करवाए जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। इसका मतलब ओपन होता है मुकेश, इसका मतलब ओपन होता है, आप जो साइन पूछ रहे हो ओपन इंटरवल का साइन होता है। ओके ओके तो नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, कहाँ थे हम लोग, हाँ। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, फॉर लाइक एग्जांपल सपोज कीजिए आपके पास कोई इंटरवल है सेट है, इंटरवल आपका ये 1 से लेके 2 है ना। आपने क्या किया, आपने रियल लाइन पे आपने इसको प्लॉट कर लिया 1 से लेके 2, ठीक है। तो आपको ईच एंड एवरी नंबर, आप किसी बच्चे ने क्या कि किसी बच्चे ने तो 1 पे उंगली उठा दी, सर जी 1 मेरे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 1 से छोटे हैं, सपोज करो ये क्लोज्ड इंटरवल होता, सपोज करो ये क्लोज्ड इंटरवल होता, तो इन दैट केस आप देख रहे हो सारे सारे एलिमेंट या तो 1 के बराबर या 1 से छोटे, तो 1 तो लोअर बाउंड होगा। इसका मतलब क्या है, जो 1 है वो एक तरीके से लोअर बाउंड बनेगा ही बनेगा। और किसी बच्चे ने कहा कि सर 1 से छोटा तो 0 भी है, मैं कहा भाई 0 भी लोअर बाउंड बनेगा, -1 भी है -1 भी लोअर बाउंड मिलेगा, पॉइंट -2 है ये भी लोअर बाउंड बनेगा, कोई कहे सर -2.5 है -2.5 है तो ये भी लोअर बाउंड बनेगा। तो 1 या 1 से छोटे जितने भी नंबर होंगे दे ऑल आर लोअर बाउंड्स, दे ऑल आर लोअर बाउंड्स। तो इसलिए मैंने लिखा है कि फॉर ए लोअर बाउंड सेट, सॉरी फॉर ए बाउंडेड सेट, सो फॉर ए बाउंडेड बिलो सेट, अगर कोई सेट आपका बाउंडेड बिलो है तो ऑफकोर्स वहाँ पे कोई ना कोई लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर एक लोअर बाउंड मिल गया
देन देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स, इज दैट थिंग क्लियर टू एवरीवन? बताइए। चलिए बताइए, यहां तक क्लैरिटी है? ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और तरीके से समझ लेते हैं। तो अब जरा समझ लेते हैं कि अनबाउंडेड बिलो क्या होगा। अनबाउंडेड बिलो सेट्स, अनबाउंडेड बिलो सेट्स होते हैं कि ए सेट दैट इज नॉट बाउंडेड बिलो, इज सेट टू बी अनबाउंडेड बिलो सेट। कहने का मतलब ये है जहां पे लोअर बाउंड नहीं मिले। सेट इज दिस, सेट यहां पे लिखने के बाद यहां पे हम तय करेंगे ये बाउंडेड बिलो है या नहीं है। और अगर बाउंडेड बिलो होगा तो ऑफकोर्स इसके लोअर बाउंड्स भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, चालू करते हैं सर। तो सबसे पहला फाई, तो क्या फाई बाउंडेड बिलो है? ऑफ कोर्स है, इसके लोअर बाउंड्स क्या होंगे बताइए। फाई का लोअर बाउंड होते हैं कंप्लीट कंप्लीट रियल लाइन। ठीक है ना, कंप्लीट रियल लाइन इज लोअर बाउंड। नंबर टू, सिंगलटन सेट ए, तो सिंगलटन सेट ए को अगर आप रियल लाइन पे बनाओगे तो सिंगलटन सेट ए यही आ जाएगा। तो लोअर बाउंड क्या बनाएंगे? लोअर बाउंड आपका होगा ए या ए से छोटा। ऑफकोर्स ही बात है, आप ए को ही ले लो, ए से छोटा कोई नंबर आपके पास है ही नहीं सेट में, तो ऑफकोर्स ये बाउंडेड बिलो है। और लोअर बाउंड्स क्या होंगे? लोअर बाउंड्स होंगे आपके माइनस इन्फिनिटी से लेकर ए तक के सारे नंबर। ए पे क्लोज लगा दिया, बताइए। इज दैट थिंग क्लियर? बताइए। नंबर थ्री है आपका ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री अप टू ए एन। ठीक है, तो क्या ये बाउंडेड बिलो होगा बताइए? क्या ये बाउंडेड बिलो होगा? ऑफकोर्स ये बाउंडेड बिलो होगा। क्यों? मुझे पता है ए वन से छोटा, ए वन से छोटे एलिमेंट इसके पास नहीं है, तो इसका जो लोअर बाउंड होगा वो क्या होगा? ए वन या ए वन से छोटे सारे के सारे नंबर्स। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, बाउंडेड बिलो सेट बताओ ये होगा? ऑफ कोर्स बाउंडेड बिलो होगा, क्योंकि मुझे पता है वन से छोटा नंबर इसके पास होता ही नहीं है। वन या वन से छोटे सारे के सारे कैसे होंगे? लोअर बाउंड्स होंगे। ओके, जेड के पास चलते हैं।
तो क्या जेड लोअर, क्या जेड बाउंडेड बिलो है? क्योंकि मुझे पता है जेड माइनस इनफिनिटी की तरफ जाता है, तो ऑफकोर्स जेड इज नॉट बाउंडेड बिलो, तो इसके लोअर बाउंड्स मिसिंग होंगे। नंबर सिक्स क्यू, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, क्या ये बाउंडेड बिलो होता है? नहीं, मुझे पता है कि माइनस इन्फिनिटी तक जाता है रियल लाइन पे, तो इसके भी लोअर बाउंड्स मिसिंग। सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स, तो मुझे पता है ये भी बाउंडेड बिलो नहीं होता है, इसके भी सारे के सारे लोअर बाउंड्स मिसिंग। नंबर एट आर, बताइए क्या ये बाउंडेड बिलो होता है? ये बाउंडेड बिलो नहीं होता है, क्योंकि मुझे पता है कि रियल लाइन होती है माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाती है, माइनस इन्फिनिटी से नीचे की तरफ कोई नंबर मुझे फाइनाइट नंबर मिलेंगे ही नहीं, तो लोअर बाउंड इज मिसिंग। बताइए यहां तक किसी बच्चों को दिक्कत परेशानी? नंबर नाइन, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो अब मुझे पता है ये तो नॉट डिफाइंड है, समझिए ये क्या है, ये नॉट डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, तो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट ए बाउंडेड बिलो, तो दिस इज मिसिंग। तो बताइए जीरो से लेके वन के बीच में क्या ये बाउंडेड बिलो है? मुझे पता है जीरो और जीरो से छोटे जितने भी नंबर होंगे दे और आर लोअर बाउंड्स, तो ऑफकोर्स ये बाउंडेड बिलो है, और इसके लोअर बाउंड्स होंगे जीरो या जीरो से छोटे सारे के सारे नंबर। ये गया जीरो और वन, मैं देख रहा हूँ ये भी कैसा है, बाउंडेड बिलो सेट है, इसके लोअर बाउंड्स कौन कौन से होंगे? माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो तक। नंबर 12 क्यू इंटरसेक्शन 0 to 1, तो ये क्या बाउंडेड बिलो सेट है? ऑफ कोर्स ये बाउंडेड बिलो सेट है, क्योंकि इस सेट का मतलब क्या है, इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे दोबारा से, वही सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 and 1, ठीक है? तो मुझे पता है जीरो या जीरो से छोटा नंबर यहां पे मुझे मिलेगा ही नहीं, तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, नंबर 30 क्यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन 0 to 1, तो क्या ये बाउंडेड बिलो होगा? ऑफ कोर्स होगा, ये हो जाएगा माइनस इनफिनिटी से जीरो। साइन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, तो मुझे पता है ये भी कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये जाता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, सॉरी माइनस वन से लेकर प्लस वन तक, ये जाता है माइनस वन से लेकर प्लस वन तक, तो ऑफकोर्स ये बाउंडेड है सेट, बाउंडेड बिलो है, क्योंकि इसके लोअर बाउंड्स क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस वन तक के सारे एलिमेंट्स इसके लोअर बाउंड्स हैं। बताइए यहाँ तक वेल डिफाइंड इसलिए प्रगति जी, क्योंकि 4 आयोटा और 5 आयोटा में से कौन बड़ा है कौन छोटा है कुछ नहीं पता होता है, जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं उसमें बड़े और छोटे वाला कंसेप्ट काम ही नहीं करता है, ये रीजन है वेल डिफाइंड ना होने, ठीक है ना? ठीक है, अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो मेरे से आप बात कर सकते हैं टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम पे बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को टेलीग्राम पे लगता है कि मैसेजेस सीन नहीं हो पाते हैं, तो आप लोग मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। और इसके लिए आप चाहो तो मैं अपनी इंस्टा आईडी भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे अक्सर मैसेजेस, क्योंकि कई बार क्या होता है टेलीग्राम पे मैसेज अगर मिस हो जाते हैं तो इंस्टा पे चेक हो जाते हैं, इंस्टा पे मिस हो जाते हैं टेलीग्राम पे चेक हो जाते हैं। टेलीग्राम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और अगर आप इंस्टा आईडी जानना चाहते हैं तो मैं वो भी बता देता हूँ, ये है विवेक यादव अंडरस्कोर मैथ्स, तो ये अपनी इंस्टा आईडी है, ठीक है? तो आप इस पे भी मैसेज कर सकते हैं, तो आई होप सो कहीं ना कहीं तो मैसेज मुझे शो हो ही जाएगा, या तो टेलीग्राम, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है?
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और हाँ टेलीग्राम पे है, टेलीग्राम पे आप मैसेज करना चाहेंगे तो @विवेक IIT, आपको इस पे मुझे टेलीग्राम, ये मेरा टेलीग्राम का है ठीक है, तो टेलीग्राम या इंस्टा आप किसी भी एक पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और ये दोनों आईडी दोबारा देखने के लिए आप वीडियो को थोड़ा बैकवर्ड कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, नंबर 15 पे आते हैं ज़रा। नंबर 15 है क्या? 10x, 10x सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। मुझे पता है 10x तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जाता है पूरा, समझ रहे हो? 10x कहाँ से कहाँ तक जाता है? प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक। इसका मतलब ये तो बाउंडेड बिलो नहीं है, तो इसका मतलब लोअर बाउंड्स में से ही है। लेकिन अगर इसी में मैं थोड़ा सा छेड़खानी करूँ, इसके डोमेन को थोड़ा सा चेंज कर दूँ, कैसे? मैं बोलूँ एक्स मेरा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 से लेकर π/2। आपको याद है मैंने पिछली क्लास में 10x का ग्राफ ग्राफ बना के दिखाया था, तो 10x का ग्राफ मैं याद दिला देता हूँ कैसा होता है। ऐसा होता है, मैं प्रॉपर एक बार बना देता हूँ इसको ठीक है। ओके तो देखिए, तो ये है 0, दिस इज -π/2, दिस इज π/2 एंड दिस इज योर पाई एंड दिस इज 3π/2 ठीक है। तो ये 10x का ग्राफ है, ये ग्राफ है किसका? 10x का। अब आप अगर देखो कि आपका 0 से 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में आपका जो 10x है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? ये जा रहा है क्लोज इंटरवल, देखो 0 पे ओपन इंटरवल है, तो इसका मतलब इस यहाँ पे अगर ये 0 पे ओपन इंटरवल है तो आपके इसकी रेंज पे भी ओपन इंटरवल होगा। और π/2 कहाँ जा रहा है? π/2 जा रहा है इन्फिनिटी पे। तो आपको नहीं लगता ये ऑफकोर्स ये बाउंडेड बिलो है, क्योंकि इसके नीचे की तरफ 0 बाउंड बना हुआ है, तो ऑफकोर्स ये बाउंडेड बिलो है। लेकिन अगर वहीं अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता, कैसे? देखो ऐसे मैं आपसे कह देता ये कि 10x वेयर एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से 0, चलो एक काम करते हैं इस पे ऐसे कर देते हैं, ओपन ओपन लगा दो या क्लोज लगा दो, बात एक ही है। चलो एक काम करते हैं क्लोज लगाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, -π/2 पे तो ये माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, लेकिन 0 पे तो एग्जैक्ट 0, लेकिन अब यहाँ पे 0 पे क्लोज इंटरवल है, तो इस 0 पे भी क्लोज इंटरवल आएगा। मतलब ये कैसा है? सेमी ओपन सेट है ये। तो मैं देख रहा हूँ दिस इज नॉट, ये बाउंडेड बिलोन नहीं है, बाउंडेड बिलोन में नहीं है तो लोअर बाउंड्स गायब। ये बाउंडेड अबव था, जो 17 नंबर का एग्जाम्पल है, दिस इज बाउंडेड अबव बट नॉट बाउंडेड बिलो। 18 नंबर और लिखा देता हूँ मैं एक बार थोड़ा और क्लेरिफिकेशन के लिए, कि मान लीजिए आपको 10x ऐसे दिया जाता कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से लेके π/2 को ओपन करो चाहे क्लोज करो डजेंट मैटर, क्योंकि π/2 पर तो इन्फिनिटी पर जाना है वो। तो इन दैट केस 0 पे क्या हो जाता? 0 पे हो जाता क्लोज इंटरवल। तो इन दैट केस ये दिस इज बाउंडेड बिलो, और इसके लोअर बाउंड्स क्या होते हैं? माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी बच्चे को?
देखो मैं एक एक क्वेश्चन है ना इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको कहीं डाउट ना रह जाए इसमें कि ये करना कैसे है। चलिए आगे बढ़ जाएं। ओके ओके चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट ठीक है। तो ये आपका पार्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें से कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, अभी आगे बढ़ जाते हैं। 15 वाला 10x, 10x x बिलोंग्स टू आर। अगर आप पूरी की पूरी रियल लाइन पे अगर देखोगे तो आपका जो 10x है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 1 अपॉन 1 प्लस x² सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो अगर देखो आप x की वैल्यू को इनफाइनाइट रख देते हैं, देखो x की वैल्यू अगर आप इसको 0 रखेंगे तो आ जाएगा 1। ध्यान से देखो इसको, देखो अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो आ जाएगा 1, x की वैल्यू को 1। जैसे जैसे आप x की वैल्यू को इंक्रीज करोगे चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में, होगा क्या, वैल्यू 1 से छोटी होती चली जाएगी। तो आपको एक तो पता लग गया कि एक तो रियल लाइन पे 1 आना है। ठीक है, अब जैसे जैसे x की वैल्यू को इंक्रीज करोगे चाहे वो +1 हो, +2, +2, +3, +4, हमेशा क्या होगा, 1 अपॉन समथिंग बिग, तो वैल्यू छोटी होती चली जाएगी। और वैल्यू छोटी होती होती कहाँ तक जाएगी, इन 0 तक जाएगी। जीरो तक जाएगी। ओके, क्लैरिटी है यहां तक? ओके, नेक्स्ट। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो ये सेट है वो बेसिकली इस सेट का ईच एंड एवरी एलिमेंट किस किस के बीच में है, 0 और 1 के बीच में है। ये कोई इंटरवल नहीं है, ये कोई अब देखो अब यहाँ पे काफी बच्चों को, सॉरी ये एक तरीका, हाँ ये तरीके का इंटरवल है, ये एक तरीके का इंटरवल है, मतलब इसके जितने भी एक्स होंगे वो 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट मुझे पता है कि मुझे तो लोअर बाउंड से मतलब है, तो ऑफ कोर्स ये बाउंडेड बिलो है, और इसके लोअर बाउंड्स क्या होंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक के सारे एलिमेंट। ठीक है ना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक के सारे एलिमेंट इसके लोअर बाउंड होंगे। यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत परेशानी, ठीक है ना। अब मुझे बताइए, ये -1 तक नहीं जाएगा, मुझे बताइए यहां तक क्लैरिटी है ना सभी को, किसी को दिक्कत परेशानी हो तो बता सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, -k 1 अपॉन 1 प्लस x² सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। देखो अगेन वही कंडीशन दोबारा, कि आप क्या करो, आप एक रियल लाइन ड्रॉ करके देख लो। आप जैसे रियल लाइन ड्रॉ करोगे, आप एक्स की वैल्यू को 0 रखोगे तो -1 आ जाएगा, और -1 तो मुझे एग्जैक्ट मिल रहा है क्योंकि 0 एक 0 नंबर, एग्जैक्ट 0 रखने पर एग्जैक्ट -1, तो -1 पे क्लोज इंटरवल। लेकिन जैसे जैसे आप वैल्यू रखोगे यहाँ पे +2 -2 +3 -3, ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 से छोटी होती चली जाएगी, सॉरी 1 से बड़ी होती चली जाएगी। जैसे -k 1/2 -k 1/3, तो ये वाला पार्ट आता चला जाएगा। और जैसे जैसे आप आगे जाओगे, आप देखोगे जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी तरफ जाएगी, तो ये 0 की तरफ अप्रोच करने की कोशिश करेगा। तो इस बार आपका इंटरवल क्या बन गया, ये इस बार आपका इंटरवल ये मिल गया, तो ऑफकोर्स ये बाउंडेड बिलो है, और इसके लोअर बाउंड्स क्या बनेंगे, -∞ से लेकर -1 तक, ये दीज आर द लोअर बाउंड्स। अब मुझे बताइए क्रिस्टल क्लियरिटी है कि नहीं है कॉन्सेप्ट में, क्योंकि कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी चाहिए भाई पूरी पूरी, इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बताइए, इसके अलावा नंबर 21, 1 अपॉन x, वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो देखो 1 अपॉन x, एक्स बिलोंग्स टू आर, मुझे पता है कि ये कहां से कहां तक जाएगा, ये जाएगा 0 से लेके 1 तक। आपको पता है ना, ये एक्स की वैल्यू जैसे आप 1 रखोगे तो 1 आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू, अरे रुको, ये आपका कहां से कहां तक जाएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ गया। अब देखो एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो कहाँ तक आ जाएगा, 1 तक आ जाएगा। अब सोचना जरा, अगर आपने एक्स की वैल्यू कितना रख दिया, माइनस के हाफ, माइनस इन्फिनिटी रख दिया, तब भी ये 0 पे जाना है।
अगर आपने इसको माइनस के हाफ रख दिया तब भी, सोचने दीजिए, ये तो थोड़ा सा अचंभे में डालने वाला क्वेश्चन आ गया। एक्चुअली आर नहीं, नेचुरल नंबर क्वेश्चन कर लिख दिया मैंने, क्योंकि आर पर तो गड़बड़ हो जाएगी। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो ये पता है क्या बनेगा, ये कायदे से देखा जाए डिस्क्रीट सेट बनेगा, जो कि ओपन जीरो से लेके वन वन क्लोज है, तो इनके बीच में होगा। तो कुल मिला के बाउंडेड बिलो तो होगा, और इसके बाउंडेड बिलो कहाँ होंगे, माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में। इज दैट थिंग क्लियर, बताइए। नेक्स्ट, इसी तरीके से 23 ई टू द पावर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। अब मुझे पता है ई की पावर एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है ई की पावर एक्स का ग्राफ। अब अगर इसको आप ध्यान से देखो तो मुझे पता है कि जो e की पावर x है ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले रहा है, ये जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है कायदे से। ये वैल्यू जा रही है जीरो, ओपन जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। तो मैं देख रहा हूँ ऑफकोर्स ये बाउंडेड बिलो है, क्योंकि इसके लोअर बाउंड्स क्या है, जीरो या जीरो से सारे छोटे सारे के सारे नंबर। बताइए कोई दिक्कत परेशानी किसी बच्चे को? तो ये तो हो गया आपका अनबाउंडेड बिलो वाला पार्ट। अब हम पढ़ेंगे बाउंडेड सेट। देखो हमने बाउंडेड बिलो पढ़ लिया, हमने बाउंडेड अबव भी पढ़ लिया, अब आते हैं ओवरऑल बाउंडेड सेट। तो ओवरऑल बाउंडेड सेट वो होते हैं जो कि अबव और बिलो दोनों तरफ से बाउंड होते हैं। अभी तक तो हम सिर्फ ये देख रहे थे या तो बाउंडेड बिलो या बाउंडेड अबव, अब हम दोनों प्रॉपर्टी को मिक्स करेंगे एक साथ, फिर आता था बाउंडेड सेट। तो बाउंडेड सेट वो सेट होते हैं जो कि दोनों तरफ से बाउंड होते हैं, अबव और बिलो। बाउंडेड सेट इसमें क्या होगा कि मान लीजिए आपके कुछ सेट है कि ए सेट ए बिलोंग्स टू आर, इज सेट टू बी बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट के के बिलोंग्स टू आर सच दैट दिस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए और ए सेट ए कंटेंट हो रहा आर के अंदर इज सेट टू बी बाउंडेड। देखो कहने का मतलब ये, आपके पास कोई सेट है ए, इस सेट के ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए आपके पास लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों की दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इन दैट केस मैं बोलूंगा सेट मेरा कैसा, बाउंडेड सेट। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, तो बाउंडेड सेट आपको यहां तक हो गया क्लियर? सो नाउ इज सेट टू बी बाउंडेड इफ सेट ए कंटेंट हो रहा है ए से लेके बी तक के बीच में। ठीक है, कहने का मतलब ये है अगर आपका जो सेट है वो किसी क्लोज इंटरवल के अंदर आप देख पा रहे हो वो बाउंड हो रहा है, वो उसकी कंटेनमेंट हो रही है, तो ऑफकोर्स ही बात है कि उसके लोअर और अपर बाउंड दोनों के दोनों एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है ना, ये थोड़ा मैंने अपने थोड़े सरल शब्दों में लिखने की कोशिश करी है,
कि अगर आप अपने सेट की कंटेनमेंट किसी क्लोज्ड सेट में दिखा सकते हैं, क्लोज्ड बाउंडेड सेट के अंदर, तो इसका मतलब है अंदर वाला भी बाउंडेड होगा। चलिए अब आ जाते हैं जरा अनबाउंडेड सेट पे। तो ए सेट ए कंटेंट हो रहा आर के अंदर, इज सेट टू बी अनबाउंडेड इफ इट इज नॉट बाउंडेड दिस। फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने सेट की कंटेनमेंट कैसे किसी ए और बी के बीच में नहीं दिखा पा रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपका सेट कैसे अनबाउंडेड है। चलिए चलिए नेक्स्ट, अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं जरा। तो सेट सेट जैसे कोई फाई है और मैं यहां इस पे लगाऊंगा ये बाउंडेड है या नहीं है, ठीक है। चलिए तो देखो, जैसे फाई है ठीक है ना, देखो आपका जो फाई है उसकी कंटेनमेंट किसके अंदर है, आप किसी भी क्लोज इंटरवल के अंदर उसकी कंटेनमेंट दिखा सकते हैं, और अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो सेट बाउंडेड होगा। कोई सिंगलटन सेट ए है ठीक है, आप सिंगलटन सेट ए है, मुझे पता है कि आप इसकी कंटेनमेंट किसके अंदर दिखा सकते हैं, ए माइनस वन से लेकर ए प्लस वन के अंदर, ऑफकोर्स ही बाउंडेड होगा। आपका जो सेट है n, सेट ऑफ ऑल, देखो आपका एक वो है कोई सेट है 1 2 3 अप टू n एंड सो ऑन n, 1 2 3 एंड सो ऑन n, और इसकी जो कंटेनमेंट है वो जारी 1 से लेकर n तक, तो आप जरा देखो ध्यान से कि ये जो सेट है ये बाउंडेड सेट के अंदर कंटेनमेंट, मतलब क्लोज सेट के अंदर कंटेंड हो रहा है, तो इसका मतलब ऑफ कोर्स दिस इज बाउंडेड। तो क्लोज्ड सेट के अंदर कंटेन होने का मतलब ये दोनों तरफ फाइनाइट नंबर होने चाहिए बाउंड्री, अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों दोनों मिल जाए आपको। फिर सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, अब मुझे नेचुरल नंबर पता है, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो वन से लेके स्टार्ट होते हैं लेकिन खत्म कहाँ होते हैं, इन्फिनिटी पे। तो एक तरीके से बाउंडेड बिलो तो होते हैं लेकिन बाउंडेड अबव नहीं होते, तो इसलिए बाउंडेड नहीं माने जाएंगे ओवर, ठीक है। नेक्स्ट,
इसी तरीके से जेड हो गया, क्यू हो गया, क्यू कॉम्प्लीमेंट हो गया, आर हो गया, तो ये इनमें से कोई भी बाउंडेड नहीं है, ठीक है। ओपन इंटरवल 0 से 1 हो गया, ऑफकोर्स ये बाउंडेड है क्योंकि इसकी जो कंटेनमेंट है वो क्लोज इंटरवल के अंदर दिखाई जा सकती है, ठीक है। अब जैसे 1 अपॉन एन हो गया सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसकी कंटेनमेंट भी 0 से लेके 1 के बीच में दिखाई जा सकती है। तो इसकी ये भी क्लोज्ड होगा, सच दैट एम कॉमा एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और इसकी कंटेनमेंट किसके अंदर है? 0 और 1 के बीच में, तो ऑफ कोर्स ये बाउंडेड होगा क्योंकि आप देखो यहाँ पे अगर आप m को फिक्स कर देते हैं तो ओवरऑल जो उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगी हमेशा, बिकॉज m और n बोथ आर नेचुरल नंबर्स। आप चाहो तो m को फिक्स कर लो और n को वेरी करा करा के देख लो, इसकी वैल्यू 1 और 0 के बीच में रहेगी हमेशा, ठीक है। यहाँ तक क्लैरिटी है, बताइए। इसी तरीके से नेक्स्ट, 0 से लेके इन्फिनिटी दिस इज नॉट बाउंडेड, आपका जो जेड है दिस इज सॉरी जेड प्लस 2z कर लो मान लो, दिस इज ऑल्सो नॉट बाउंडेड, या फिर जेड प्लस रूट 2z कर लो क्योंकि मुझे पता है ये भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दोनों टच करेगा, तो ऑफकोर्स ये भी कैसा हो जाएगा, दिस इज नॉट बाउंडेड। मान लीजिए आपको दे दिया एम एन अपॉन 1 प्लस एम प्लस एन, देखो अब क्या है, अब जैसे ये कोई नंबर आ गया, अब मान लो n की वैल्यू फिक्स कर दी, तो m की देखो n की वैल्यू मान लो चलो यहां पे ना n की वैल्यू जैसे मान लो अपने 1 फिक्स कर दी, या फिर जो इसको थोड़ा सा और कुछ बनाते हैं, जैसे 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 n की वैल्यू मान लो आपने 5 ले ली, यहाँ पे सोच के देखो तो कितना हो गया 5m अपॉन, आपने n की वैल्यू 5 फिक्स कर दी है, ठीक है ना, तो हो जाएगा 6 प्लस m, मानते हो। अब देखो अगर आपने m की वैल्यू 2 ले ली तो पता है क्या बन जाएगा, 2/8, अगर m की वैल्यू आपने 2 ले ली तो क्या बन जाएगा 10/8, 1 से बड़ा निकल गया। अब सोचो अगर m की वैल्यू आपने ले ली 10 तो कितना बन जाएगा 50/16, मतलब धीरे 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 ये बड़ा होता जा रहा है नंबर, जैसे जैसे m की वैल्यू इंक्रीज होगी ना ओवरऑल वैल्यू कहाँ जाएगी, ये वैल्यू बड़ी होती चली जाएगी, तो ये इन्फिनिटी की तरफ भागेगा, तो दिस इज नॉट बाउंडेड। बाउंडेड बिलो हो सकता है ये कि अगर m और n की वैल्यू मिनिमम से मिनिमम कितनी रखूँ मैं, कि मतलब जिससे कि हो सकता है ये बाउंडेड बिलो हो, लेकिन ये बाउंडेड अबव नहीं है, तो इसलिए ओवरऑल बाउंडेड नहीं होगा क्योंकि मुझे साफ से पता लग गया इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है आगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैल्यू 1 से बड़ी इंक्रीज करेगी, 2 से बड़ी, 3 से बड़ी, 4 से बड़ी, 5 से बड़ी, 6 से बड़ी, है ना। जैसे m की वैल्यू 100 रख दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 500/106, मतलब वैल्यू 5 पहुंच गई, यहाँ तक तो वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग थी, लेकिन जैसे m की वैल्यू 100 रखोगे तो वैल्यू 5 पहुंच जाएगी, इसी तरह m की वैल्यू जैसी करोड़ में पहुंचेगी, समझ लो करोड़ से भी ऊपर पहुंचेगी, तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी, सीधी इन्फिनिटी पर आने की कोशिश करेगी, जैसे ये वैल्यू m m इन्फिनिटी पर जाएगा, जैसी m इन्फिनिटी पर जाएगा ओवरऑल वैल्यू भी इन्फिनिटी पर पहुंचेगी सीधी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके सो नेक्स्ट, अब कोई बच्चा यूं कहेगा सर जी अगर मैं m को इन्फिनिटी भेजूंगा तो इसकी वैल्यू ओवरऑल 5 समथिंग जा रही है, अब किसी बच्चे के दिमाग में देखो ये डाउट आ सकता है यहाँ पे
कि अगर मैं यहां पे लिमिट लगा दूं m टेंड्स टू इंफिनिटी, तो इसकी ओवर वैल्यू 5 जा रही है क्योंकि m का ऊपर नीचे भाग लगा दूं, तो मैं ये कहूंगा कि m आपने क्या लिया था, n की वैल्यू फिक्स करी थी आपने, समझिए आपने n की वैल्यू 5 फिक्स करी थी यहां पे, आपने n की वैल्यू को 5 फिक्स किया था, तब कहीं जाके ये सारी कंडीशन बन रही है क्या। अगर आप m, अब देखो अगर n की वैल्यू को इनफाइनाइट ले लो, तो सोच के देखो अगर आप n की वैल्यू को इनफाइनाइट ले लेते फिर क्या होता, तो ओवर वैल्यू भी तो इन्फिनिटी चली जाती, आप एक ही टाइम में m और n दोनों को इन्फिनिटी पर टेंस करा दो, वैल्यू इन्फिनिटी पर जाएगी सीधी। अगर m प्लस n होता तो ऊपर वाली कंडीशन आ जाती, अगर m प्लस n होता तो बाउंडेड हो जाता, ठीक है ना विधान। अगर यहाँ m इंटू n की जगह m प्लस n होता तो ये बाउंडेड हो जाता ओवर। चलिए बताइए मुझे, यहाँ तक क्लैरिटी है आप लोगों को, बताइए। तो ये आपका बाउंडेड सेट भी हो गया। अब आपका स्टार्ट होगा यहां से सुप्रीमम, या फिर मैं कहूँ लीस्ट अपर बाउंड। अभी तक देखो आपने सिर्फ अपर बाउंड और लोअर बाउंड पढ़े, अब आप जो पढ़ोगे वो होंगे लीस्ट अपर बाउंड। जैसे कि कई बच्चे कई मतलब अभी तक कई बार जिक्र कर चुके हैं सर, लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, है ना, इन शब्दों का। तो ये अब पढ़ाए जाएंगे आपको, कि फाइनली मुझे लगता है मैंने आपको लोअर बाउंड्स पढ़ा दिए हैं, तो अब ये सही टाइम है। सुप्रीमम और लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट, ठीक है ना, तो लीस्ट अपर बाउंड का मतलब होता है कि लीस्ट मतलब कि सबसे छोटा अपर बाउंड। तो अब ये दो टॉपिक हैं, लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो इनको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अच्छा सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जितना आपको पढ़ाया समझ में तो आया ना, किसी बच्चों को ऐसी कोई दिक्कत परेशानी हो कि सर समझ में नहीं आ रहा है, तो वो बता सकता है अभी, क्योंकि मेरी स्पीड अभी बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है, उसका रीज़न यही है, मैं चाहता हूँ कि हम प्रॉपर एक स्पीड मेंटेन करके चलें जो कि हमारे लिए भी अच्छी हो, किसी बच्चों को दिक्कत परेशानी ना आए। चलो एक काम करते हैं, अभी क्लास ख़त्म नहीं हो रही है, मैं लीस्ट अपर बाउंड तो पढ़ा के जाऊँगा कम से कम, ठीक है ना, लीस्ट अपर बाउंड तो पढ़ा के जाऊँगा। ओके, तो लीस्ट अपर बाउंड से तो मान लीजिए कि लेट ए जो कि आर के अंदर कंटेंट हो रहा है, बी ए बाउंडेड अबव सेट, ठीक है, देन ए हैज इनफाइनाइट नंबर्स, अपर बाउंड ठीक है, ऑफ अपर बाउंड, देन द लीस्ट और स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स ऑफ ए इज सेट टू बी सुप्रीमम ऑफ सेट ए। तो इसको डिनोटेड डिनोटेड बाय या तो सुप्रीमम ऑफ ए कह लो, ठीक है ना, या फिर इसको बोलते हैं लोअर अपर बाउंड, सॉरी लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड LUB ऑफ ए,
अब देखो, इफ ए इज अनबाउंडेड अबव, सपोज करो इफ ए इज अनबाउंडेड अबव, देन मान लो अगर आपका ए अनबाउंडेड अबव है तो इन दैट केस सुप्रीमम ऑफ ए कैसा हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि डजंट एग्जिस्ट। अब इसके एग्जाम्पल देखो, लीस्ट अपर बाउंड का मतलब होता है सबसे छोटा अपर बाउंड। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पे लिखे मैंने सेट, और यहां पे मैं लिख रहा हूं लीस्ट अपर बाउंड। इसको पूरा लिखना है आपको सुप्रीमम या फिर लीस्ट अपर बाउंड, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। आप पूरा लिखेंगे इसको लीस्ट अपर बाउंड। सो सबसे पहला फाई। अब फाई के लिए लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा? देखो ये कोई रियल लाइन है, ठीक है ना। अब लीस्ट, अब देखो फाई के पास कोई सेट एलिमेंट तो होता नहीं है, और लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है? सबसे छोटा अपर बाउंड। तो मैं किसी से कहूं भाई मैंने यहां पे 2 चुन लिया, तो मैं तो सामने वाला बंदा कहेगा भाई 2 से छोटा नंबर भी तो ले सकते हैं हम, कंपैरिजन के लिए 2 से छोटा नंबर भी एग्जिस्ट करता है यहां पे, क्योंकि मुझे चाहिए सबसे छोटा अपर बाउंड। तो मैं कहूंगा ठीक है भाई 1 पे आ जाते हैं। फिर वो कहेगा नहीं और छोटा अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों 0 को भी तो अपर बाउंड माना जा सकता है, क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए कोई नंबर तो है ही नहीं यहां पे। तो आप जितना उतना छोटा नंबर ले सकते हो, तो -1 छोटा नंबर लेते लेते आप देख रहे हो आप कहां जाके बैठ गए, आप माइनस इन्फिनिटी की तरफ चले गए। इसका मतलब आप छोटे से छोटा लोअर बाउंड लेते चले जाओ, आप सीधा कहां पहुंचोगे? माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो लीस्ट अपर बाउंड एक्चुअल में क्या होता है फाई के लिए? माइनस इन्फिनिटी, यानी कि डजंट एग्जिस्ट। तो डजंट एग्जिस्ट के अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये इन्फिनिटी नेगेटिव वाली है या फिर पॉजिटिव वाली है। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? देखो इसको ऐसे ही याद रखना, लीस्ट अपर बाउंड मतलब सबसे छोटा अपर बाउंड। जैसे आप रियल नंबर पर जाओगे सबसे छोटा अपर बाउंड ढूंढने के लिए, आप सबसे छोटा नंबर ढूंढते 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 कहाँ चले जाओगे? माइनस इन्फिनिटी पे। बीच में कोई ब्रेकर आएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि बीच में कोई नंबर इसलिए नहीं आएगा, फाइव के पास कोई नंबर होता ही नहीं है। सबसे छोटा नंबर ढूंढते ढूंढते आप कहाँ चले गए? माइनस इन्फिनिटी की तरफ। सो माइनस इन्फिनिटी इज योर लीस्ट अपर बाउंड। ये इंपॉर्टेंट है, कई जगह एकदम थ्रू आउट पूछ लिया जाता है ये, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ फाइव इज वॉट, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, ठीक है ना। नंबर टू, सिंगलटन सेट ए। सिंगलटन सेट ए का लीस्ट अपर बाउंड कौन है? खुद ए। नंबर थ्री, यहाँ है 1, 2, 3, 4 अप टू एन, तो इसका लीस्ट अपर बाउंड क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। इसका सबसे छोटा अपर बाउंड खुद एन है, एन है, एन से छोटे बड़े नंबर जितने एन एन से जितने छोटे नंबर हैं सारे के सारे मुझे मिल रहे हैं सेट के अंदर। तो एन इज योर लोअर बाउंड, लीस्ट लोअर सॉरी एस एन इज योर लीस्ट अपर बाउंड, सबसे छोटा अपर बाउंड। नंबर फोर, 0 to 1, इसमें लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा बताइए? 1 होगा। नंबर फाइव ले लेता मैं 0 से 1 अभी, तो लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा? इसमें भी 1 होगा। n belongs to natural number, बताइए इसमें क्या होगा लिस्ट अपर बाउंड? देखो मुझे पता है ये कहां से कहां तक जाता है, ये 0 से लेके 1 तक जाएगा, है ना, ये 0 से लेके 1 तक जाएगा। तो 1 या 1 से जितने बड़े नंबर होंगे सारे सारे लोअर बाउंड, लेकिन सबसे छोटा लोअर सबसे छोटा अपर बाउंड कौन सा होगा? 1 होगा इसमें, ठीक है, इसमें छोटा अपर बाउंड 1 होगा। नंबर 7, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो क्या इसका लीस्ट अपर बाउंड? मैं देख रहा हूँ ये 1, 2, 3, 4 करते करते प्लस इन्फिनिटी की तरफ भाग जाएगा, और प्लस इन्फिनिटी की तरफ तो मुझे कोई लोअर बाउंड मिलना नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा? डजंट एग्जिस्ट। या फिर एक काम कर लो प्लस इन्फिनिटी लिख दो, प्लस इन्फिनिटी। नंबर 8, नंबर 8 है आपका रैशनल नंबर, तो मुझे पता है भाई इसका भी ये भी प्लस इन्फिनिटी पर चला जाएगा, तो बेसिकली डजंट एग्जिस्ट। क्यू कॉम्प्लीमेंट भाई ये भी प्लस इन्फिनिटी पर जाके पहुंचेगा लीस्ट अपर बाउंड के नाम पे। नंबर 10, कंप्लीट रियल लाइन, तो ये भी आर पूरा का पूरा इन्फिनिटी पे पहुंचेगा। नंबर 11, 1 प्लस 1 अपॉन एन,
वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कितना हो जाएगा बताइए इसका? मुझे पता है कि जो वन अपॉन एन है वो जीरो से लेके वन तक जाएगा, लेकिन जैसे इसमें वन ऐड करूंगा तो ये पता है कहां से कहां तक जाएगा? जाएगा वन से लेकर टू तक। सॉरी, इंटरवल नहीं आएगा, बेसिकली ये जो होगा ये जाएगा वन से लेकर टू तक। देखा जाए तो सबसे छोटा लोअर बाउंड कौन सा मिल रहा है? टू मिल रहा है इसमें मुझे। इज दैट थिंग क्लियर टू एवरीवन? बताइए किसी को दिक्कत परेशानी? यहां तक किसी को कोई परेशानी तो नहीं है ना, क्योंकि ये सब कुछ बड़ा आसान है। नंबर 12, वन माइनस वन अपॉन एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मुझे पता है ये जीरो से लेके वन तक जाएगा, जैसे इस पर को माइनस वन करोगे, ठीक है ना, तो ये कहां से कहां तक जाके सिमट जाएगा बताइए? ये सिमट जाएगा आपका, देखो इसको ऐसे चेक करेंगे, एन की वैल्यू को वन रखूंगा तो क्या जाएगा? एग्जैक्ट जीरो आ जाएगा, और जैसे जीरो की कोशिश करूंगा तो वन, तो ठीक है इस बार ये ऐसा बन जाएगा। तो इन दैट केस अभी भी इसका सबसे छोटा लोअर बाउंड लीस्ट, सॉरी सबसे छोटा अपर बाउंड, सबसे छोटा अपर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड क्या बना रहा है? नंबर 13, नंबर 13 नहीं है, नहीं है, एक मिनट रुको, नंबर 13 नहीं है, साइन एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस केस में भी आप नेचुरल नंबर देख रहे हो ना, इस केस में भी इसका सबसे छोटा लोअर बाउंड आ जाएगा वन, सबसे छोटा लोअर बाउंड वन आएगा इसका। नंबर 4, साइन एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, इस केस में सबसे छोटा लोअर बाउंड क्या आएगा? सबसे छोटा, सबसे छोटा अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, मुझे लगता है लीस्ट अपर बाउंड कहना ठीक है, ये वरना दिक्कत होती है बोलने मेरे को, अपर बाउंड लोअर बाउंड मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, तो लीस्ट अपर बाउंड इज व्हाट? वन। नंबर 15, ई टू दी पावर एन सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका लीस्ट अपर बाउंड क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, सीधा इन्फिनिटी पर जाके पहुंच रहा है। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी? ई टू द पावर माइनस एन, इसका लीस्ट अपर बाउंड क्या आएगा बताइए? क्योंकि मुझे पता है ई की पावर माइनस इन्फिनिटी कहाँ जाता है? वन पे जाता है, सॉरी जीरो पे जाता है। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, एक मिनट रुको, गलत बोल गया मैं, ई की पावर माइनस वन इसका, ओके ठीक है, इसका सबसे लो, इसका अपर अबाउंड होगा ई टू द पावर माइनस के वन, बाकी सब तो इससे छोटे होते चले जाएंगे। नंबर 17, टेन इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका हो जाएगा पाई बाई टू, ठीक है। और नंबर 18, वन अपॉन एन स्क्वायर सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड, बताइए इसका लोअर बाउंड क्या हो जाएगा? इसका लोअर बाउंड भी वन हो जाएगा, सॉरी लीस्ट अपर बाउंड, सॉरी लीस्ट अपर बाउंड वन हो जाएगा। तो ये खत्म, आपका लीस्ट अपर बाउंड खत्म। देखो आप में से कई बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे थे लीस्ट अपर बाउंड में, कौन से वाले को? 14 वाले को, 14 वाले को या 13 वाले को? अरे साइन एक्स जो होता है वो कहां से कहां तक जाता है? वो जाता है प्लस माइनस वन से लेकर प्लस वन तक, सिंपल, ये जाता है माइनस वन से लेकर प्लस वन तक, सिंपल खत्म, इससे ज्यादा और कुछ नहीं था इसमें, बताइए। बताइए चलिए,
आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए इतना काफ़ी है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी 10 बजे से, ठीक है। फिर 16 में 0, 16 में कहाँ, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी। अरे डोमेन पता है क्या होगी, देखो एन की वैल्यू आप क्या रखोगे, डोमेन जाएगी 0 से लेकर ई टू द पावर माइनस वन। आपको पूछा यहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड, तो लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, ई इनवर्स होगा, लीस्ट अपर बाउंड होगा ई इनवर्स प्रकाश। और 18 वाले में, अरे भाई देखो जिस जेड है ना, जेड के अंदर क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। तो अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे, थोड़ा ध्यान से देखो ये असल में क्या है, अगर मैं 1 अपॉन एन लिखता और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे क्या किया है इस स्क्वायर ने, माइनस टू को प्लस टू के बराबर इक्वलेंट कर दिया, प्लस थ्री को माइनस थ्री के बराबर इक्वल, क्योंकि स्क्वायर है ना। तो एक तरीके से आप ये चेक करो चाहे ये चेक करो, दे बोथ आर सेम, और दोनों के दोनों कहां से कहां तक जाते हैं, 0 से लेकर 1 तक। तो ओवरऑल इसका लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है, 1 ही होता है। अभी क्लियरिटी है बताइए। हाँ मैं वही सोच रहा हूँ 10 बजे क्यों ना एक क्लास रख देते हैं। चलिए फिर अभी के लिए इतना काफ़ी है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग आपको अपडेट कर दी जाएंगी एज सून एज पॉसिबल, ठीक है सर। पावर माइनस में है ना, हाँ तो पावर माइनस में है तो स्टिल इज इट इज अ पॉजिटिव नंबर। आप सोचो ना, ई की पावर माइनस टू करोगे तो वो और छोटा हो जाएगा, मतलब ई की पावर माइनस थ्री करोगे और छोटा होता चला जाएगा। आप 16 वाले को रियल नंबर पे, ऑफ कोर्स रियल एनालिसिस की क्लास होगी अभी 10 बजे, तब तक के लिए चलता हूँ, आपसे मिलता हूँ 10 बजे, मैं क्लास शेड्यूल कर दूंगा, तो प्लीज़ आप सभी लोग उस क्लास में ज़रूर ज़रूर आए। ओके चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं 10 बजे की क्लास में, ये क्लास 10 बजे होगी अभी, इसके आगे नेक्स्ट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और एक तरीके से मेरे लिए वो मोटिवेशन होते हैं। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए क्लास कैसी लगी। बाकी इंस्टाग्राम मैंने आपको दे दिया है अपना, और टेलीग्राम की आईडी भी आपको दे दी है, आप जहाँ चाहें वहाँ मैसेज कर सकते हैं। और जाते जाते अगर कोई बच्चा जानना चाहे तो मैं दोबारा से लिख सकता हूँ कि टेलीग्राम पे करना है आपको विवेक IIT, और अगर आप इंस्टाग्राम पे चाहते हैं तो आपको वहाँ डालना पड़ेगा विवेक यादव अंडरस्कोर मैथ्स, ठीक है ना। ये इंस्टा आईडी है और ये टेलीग्राम की आईडी है, ठीक है। चलिए फिर, ओके बाय, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।